हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। जैसा कि सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो चुका है, तो अब इम्पोर्टेंट है उसकी डिस्कशन। ओके, तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम सीसेट के पेपर को डिस्कस करेंगे। सीसेट के अंदर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, एग्ज़ाम हो चुका है, मेनली डिस्कशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जिन स्टूडेंट्स ने 2023 के अंदर एग्ज़ाम देना है, तो उनको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे और इस टाइप के अगर फर्दर क्वेश्चन आते तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्यूशन भी मस्ट है, सोल्यूशन मस्ट है हर एक क्वेश्चन का कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करें। ओके, तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन ये कैसे बने। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट 1 to 3 क्वेश्चन वर फ्रॉम इंग्लिश। ये मैं आप लोगों के साथ में सेट ए डिस्कस कर रही हूँ। यस, दिस इज सेट ए। ओके, सेट ए के अंदर से बेटा फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन वाज फ्रॉम इंग्लिश। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई हुई, बिल्कुल इजी सीरीज थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सीरीज इजी है। क्या है? दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1.5, देन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या होगा आपके पास में? हाँ जी, नेक्स्ट टर्म में अपने पास में क्या हो जाएगा? दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21 और 1 = 22। दैट मीन्स कि 225। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर तो डी आ गया। आया कैसे? पता चल गया सभी को? आई होप सभी को क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, तो काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी भी थे। मैं ये कहूँगी कि आपके 38 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे बेटा। 38 क्वेश्चन के अंदर से 8 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ट्रिकी थे, थोड़े से ट्रिकी थे, और या आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है ना। तो उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था ये। क्या है? एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG। ABCDEFG, डन। नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर वेयर ईच लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई डिस्टिंक्ट डिजिट 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। 7 डिजिट्स हैं आपके पास में, कह रहे कि ये पर्टिकुलर डिजिट से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 9 है। तो यहाँ पे देखिए कि 7 डिजिट्स गिवन है, अगर हम उन सबका सम करते हैं तो वो 9 से डिविजिबल है, हमें दिखाई दे रहा है। यस है, तो दैट मीन्स कि ये तो हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में फुलफिल होगी। ओके, अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट, अगर मैं इसके अंदर से इस फर्स्ट डिजिट को डिलीट कर देती हूँ, तो पहले तो ये देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट पे आ क्या सकता है। फर्स्ट डिजिट पे बेटा सारे जितने भी हमारे पास 7 नंबर्स हैं, उन 7 के अंदर से कोई भी 7 नंबर आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते आगे, कह रहा है कि इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस वाले को, इन दैट केस आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जो रिजल्टिंग नंबर है, जो नंबर है मेरा यहाँ तक, वो क्या है? डिविजिबल बाई 6 हो रहा है। अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके पास में? इवन नंबर आएगा, 2, 4, 6, 8। 6 इसमें है नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ पे एफ के लिए मेरे पास में कौन कौन सी डिजिट बन रही है? एफ के लिए बन रहा है आपके पास में 2, 4 एंड 8। हाँ जी, एफ के लिए आपके पास में ये 3 डिजिट्स बन रही है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है आफ्टर डिलीटिंग द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स कि अगर इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, एफ और जी को, क्या कह रहा है कि भी अगर आप एफ और जी इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हो, तो उस केस के अंदर ये बच गया, एंड दिस रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल नंबर कब रहेगा? जिस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 0 होगी या तो 5 होगा। 0 हमारे पास है नहीं, जो 7 डिजिट्स गिवन है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? 5 आएगा। तो कन्फर्म हो गया कि ई के लिए अपने पास में डिजिट क्या है बेटा? 5 है। दिस इज कन्फर्म डिजिट। क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। अब हम आते हैं आगे। आगे कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड, 3 डिजिट्स मतलब कि इन तीनों को अगर मैं डिलीट कर दूं, तो उस केस में क्या बच गया? ए बी सी डी, ए बी सी डी बच गया,
और कह रहा है कि द ओरिजिनल नंबर इज आफ्टर डिलीटिंग द थ्री डिजिट्स फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो 4 से डिविजिबल है. और 4 से डिविजिबल नंबर कैसे होगा? दैट लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी तभी वो 4 से डिविजिबल नंबर होगा. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट पता चल गया कि भाई जो डी है डी की जगह पे भी इवन नंबर ही आएगा तभी 4 से डिविजिबल होगा. तो हम यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेते हैं कि भाई या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है. ठीक है, और साथ में ही सी डी क्योंकि 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होनी चाहिए. ओके, इसको अभी डिस्कस करते हैं. दैट शुड बी डिविजिबल बाई 4. डन. अब उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे. आफ्टर डिलीटिंग द 4 डिजिट्स द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3. अगर मान लो इन 4 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो नंबर क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में है आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2. अगर मैं पूरी 5 डिजिट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देती हूँ तो कितने से डिविजिबल होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए. अगेन 2 से नंबर डिविजिबल कब होगा? 2 से नंबर डिविजिबल कब होगा? जब इवन डिजिट होगी. दैट मीन्स वट कि यहाँ पे भी 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है. देन यहाँ तक का हमारा पॉइंट ये हो गया. अब उसके बाद में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडल 3 डिजिट्स. कह रहे हैं मिडल 3 डिजिट्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी. तो पहले अभी मिडल की अगर हम बात करते हैं 3 डिजिट्स की, तो क्या आएगा आपके पास में? डी सी डी ई, इनकी डिजिट्स का सम पूछ रहा है वो आपसे. दैट मीन्स कि मुझे सी डी पे फोकस करना है. ई का तो मुझे पता है, ई क्या है? 5 है. सी डी को अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा था कि भाई ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए. दैट मीन्स कि अगर हम 4 की टेबल देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 12 हो सकता है तभी 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, 12 4 16 16 के लिए 6 6 तो है नहीं हमारे पास में. ठीक है, फिर 20 20 भी नहीं हो सकता. 20 के बाद 24 24 हो सकता है. ठीक है, 24 हो सकता है. उसके बाद क्या कह रहा है आपके पास में? 24 हो सकता है, फिर 28 हो सकता है. मतलब पूरी 4 की टेबल ले लो आप तो अगर अपने पास में जो नंबर देखे हैं तो ये हो गया 32 हो सकता है बेटा. फिर 36 आ नहीं सकता क्योंकि 6 है इसके अंदर नहीं. फिर 40 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता. उसके बाद में क्या हो सकता है? 44 44 में डबल डिजिट्स यूज़ हो रही है 4 4. दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता. 44 के बाद में अगर हम आगे देखें 48 48 हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में ये डिजिट्स बनेंगी. तो यहाँ पे अपने पास में आगे बन गया जैसे 52 हो सकता है बेटा, 72 हो सकता है, 92 हो सकता है. अब यहाँ पे जो पॉइंट हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास में 3 डिजिट्स है इवन. 3 डिजिट है इवन, 1 2 और 3. ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लेसेस है इवन. 3 प्लेसेस है इवन, दैट मीन्स कि सी की जगह पे ओड नंबर आएगा. इवन नंबर तो यहाँ पे आ नहीं सकता, ये कन्फर्म हो गया. दैट मीन्स कि अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो इसके अंदर से ये हमारे कैंसिल आउट हो गए. डन, जो 2 4 हो गया आपके पास में, 28 हो गया, 48 हो गया, ये वाले डिजिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो गए. क्यों? क्योंकि दोनों इवन डिजिट्स नहीं आ सकती. दोनों इवन डिजिट्स नहीं आ सकती तो अगर हम इधर इवन और ओड को चेक करें तो हमारे पास में ये देखो, अगर हम सम करते हैं, दिस इज 5 5 प्लस 3, अगर इसको कंसिडर करते हैं तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. ठीक है, 5 प्लस 7, अगर हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, 5 यहाँ पे है +7, ये अपने पास में अगर 5 और 2 लेती हूँ मैं तो यहाँ पे 1 ये बन रहा है अपने पास में. ठीक है, उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास में? 72. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में माइंड में आ रहा है कि हाँ जी या तो 52 ये वाली बन सकती है. ठीक है, सम 12 बनेगा क्योंकि ये भी ऑप्शन में. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 7 प्लस 2 9, तो यही हो गया 9 एंड 5, 13 13 ऑप्शन में नहीं है. उसके बाद में अगर मैं 9 और 2 11 देखूँ तो यहाँ से 5 और देखेंगे 16 बन गया. दैट मीन्स कि वो भी ऑप्शन में नहीं है. तो मेरे पास में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है? एक तो 5 2 आ जाएगा. ठीक है, और एक 8 आ जाएगा. पर एक पॉइंट और देखो यहाँ पे बेटा, 5 तो ऑलरेडी आ चुका है. 5 ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पे एक ही प्लेस पे आ गया. दैट मीन्स कि ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया. बच गया क्या हमारे पास में? एक क्या? 1 2 1 2. दैट मीन्स कि इस प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास में? 1 एंड 2. कलर चेंज कर देती हूँ. हाँ जी, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ओके, दिस इज 5. तो सम अगर हम देखें तो सम कितना हो गया आपके पास में? 8. सो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 8 विल बी द करेक्ट आंसर. 8 विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया. बट थोड़ा सा फर्दर और इसको डिटेल में करते हैं कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाए कि भाई पूरा डिजिट्स बता, पूरा का पूरा नंबर बताइए. तो अगर हम नंबर एक बार मैं आपको फाइंड आउट करना बता देती हूँ तो बेटा ये अपने पास में 3 डिजिट कन्फर्म होगी.
वन टू एंड फाइव। अब उसके बाद में अगर मैं इनको देखती हूँ तो उसने क्या कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होना चाहिए, तीन से डिविजिबल होगा, ए बी सी थ्री से डिविजिबल होगा। अब टू यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है तो इस टू, ये तो टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो फोर आएगा या तो फिर एट आएगा। बी की जगह पे या तो फोर आएगा या फिर एट आएगा, टू हमारे पास से कैंसिल हो चुका है। तो अब इस प्लेस के ऊपर, इस प्लेस पे अगर बेटा हम रखते थे एट को, अगर हम रखते एट को तो क्या बनेगा, एट प्लस वन, अगर मान लो मैंने लिखा ए एट एंड वन, ठीक है, तो कितना हो गया नाइन, नाइन। और अगर मैंने थ्री से डिविजिबल चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, थ्री आना चाहिए, और थ्री तो ऑलरेडी अपने पास में ये जो है इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, सिक्स भी नहीं है, ओके तो यहाँ पे क्या बन सकता है फिर अपने पास में, या फिर नाइन बनेगा, डन। तो यहाँ पे उस केस के अंदर अपने पास में जो नंबर है एट से नहीं बन रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, फोर आएगा। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, फोर आ जाएगा, इसको मैंने कंफर्म कर दिया भाई, ये फोर आ गया हमारे पास, फोर आ गया। अब देखो अगर यहाँ पे फोर है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व, दैट मीन्स कि डिविजिबल भाई, अपने पास में टू भी है, ठीक है, तो और थ्री से भी है डिविजिबल है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, सेवन आ गया। ये डिजिट्स आ गई, सेवन फोर वन टू, सेवन फोर वन टू। अब देखो टू यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, फोर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एट आएगा, क्लियर। उसके बाद बच गई जी की पोजीशन, जी पे क्या आएगा बेटा, एक नंबर आपके पास में क्या, नाइन बचा हुआ, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल था, मैंने बार बार बताया यूपीएससी लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। क्या कह रहे हैं, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग, ओके, पर्टिकुलर लोकेशन से उन्होंने रन करना शुरू किया, एंड रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, कह रहा कि 50 मीटर तक दोनों इकट्ठे रन किया उन्होंने, कौन है, एक है एक्स और एक है वाई, दोनों यहाँ पे पहुँच गए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं कि एक्स टर्न टू राइट एंड रन 60 मीटर, एक्स राइट में टर्न कर गया। अब दोनों की जो पोजीशनिंग है वो क्या है, ईस्ट फेसिंग है दोनों के दोनों, दोनों ईस्ट फेसिंग है। अगर वो राइट के अंदर टर्न करेगा दैट मीन्स बेटा डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड चला गया, कौन, यहाँ पे एक्स, कितना 60, एंड वाई टर्न्स लेफ्ट एंड 40, तो वाई किधर चला गया, वाई इधर चला गया, दिस इज 40। उसके बाद क्या है, देन एक्स टर्न्स टू लेफ्ट रन 50। अब यहाँ पे एक्स लेफ्ट में, अब यहाँ पे क्या है, फेसिंग डाउन है, तो राइट लेफ्ट में मूव करेगा, दैट मीन्स किधर चला गया, कितना चला वो 50 मीटर, एंड स्टॉप्स वाइल वाई रिटर्न्स टू राइट, वाई राइट में मूव करेगा, राइट, हाँ जी, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग दैट मीन्स राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, कितना चला 50, एंड देन स्टॉप। वट, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो गया बेटा 60, ही हो गया 40, दैट मीन्स कि ये टोटल हमारे पास में कितना हो गया 100, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 100 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, सिंपल था, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, संडे को क्या डेट रहेगी। अब अगर हम संडे की बात करें तो जून की बात कर रहा है बेटा, जून, पहले फर्स्ट जून का हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट जून 299, ओके, अब 299 की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि 98 तक का हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 99 तो चल रहा है, 98 तक ही कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डेट का, पहले यहाँ पे बेटा इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे डेट हो गया तो डेट के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वर्क डेज कितना हो गया आपके पास में, वन हो गया। जून, जून की बात करें तो जनवरी के कितने और डेज, 31 डेज होते हैं जनवरी के अंदर, 7 से डिवाइड किया बच गया 3, दैट मीन्स कि और डेज कैसे फाइंड आउट करते हो, जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं, कैलेंडर के अंदर डिटेल में करवाया है मैंने आप लोगों को, तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में बेटा, हाँ जी, 3 जनवरी, फरवरी के 0, मार्च, अप्रैल, मई, और जून तो चल ही रहे, मई तक लेंगे। उसके बाद हम बात करते किसकी, 2099 है, 2099 है, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि भाई 98 तक लेना है, जब हम 98 तक लेंगे तो इसके अंदर बेटा 24 तो लीप ईयर हो गए, 4 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर हो गए 24, और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बच गए, बाकी के ऑर्डिनरी ईयर्स बच गए आपके पास में, ऑर्डिनरी ईयर हो गया आपके पास में, ये हो गए बेटा 74,
ओके, ये हो गया आपके पास में ऑर्डिनरी ईयर्स। अब लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, एक लीप ईयर के अंदर टू नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में 74 के अंदर पूरे 74 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2 के ये हो गया आपके पास में 48, ये हो गया आपके पास में 74। दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास, 7 और 4 11 और 1 12 122 हो गए, ठीक है। ये किसके निकाले मैंने, 99 तक के लिए के चले, देखो 2019 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 2099 है, ये क्या है 2000 तो पूरा हो गया, ठीक है, प्लस 99वां साल तो चल रहा है, दैट मीन्स कि 98 लेंगे, प्लस 98, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, जीरो। और अगर हम 98 का देखें तो 98 का ही अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कितना होगा आपके पास में, 122, तो ये कितने हो गए, हाँ जी डे का वन मंथ का ये हमारा टोटल हो गया, और यहाँ पे आपके पास में आ गया बेटा ईयर का, ईयर का कितना आ गया 122। सभी को टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 1344 and 5 9 9 plus 2, ये हो गया आपके पास में 9 plus 3 12 12, इसके अंदर हमने ऐड किया बेटा, ये आ गया आपके पास में 134। अब टोटल 134 है, हमने चेक करना है नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास में, हाँ जी रिमाइंडर यहाँ पे अपने पास में कितना बचा, एक बच गया, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास में, एक हो गया, हाँ जी बताइए कोई डाउट, एक और डे, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास में, मंडे, दैट मीन्स कि 1 जून को क्या है, मंडे। अगर 1 जून को मंडे है तो संडे कब पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, आफ्टर 6 डेज। अगर हम डेट की बात करें तो वह 1st है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, दैट मीन्स कि क्या पड़ेगी आपके पास में, 7th, क्लियर। जो ईयर है ईयर को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2000 की बात आ रही है तो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने 98 ले लिया, 2000 के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, जीरो। 1600 मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम देखते हैं सेंचुरीज 400 800, ठीक है, फिर उसके बाद 1200 1600, उसके बाद 2000, इन सभी के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बनते हैं बेटा, हाँ जी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, जीरो। तो अगर इससे रिलेटेड ईयर हो तो इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ बाकी को चेक कर लोगे, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है आपके पास में, ए बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन 50 रुपीज 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट, ये आपके पास में गिवन है 50 रुपीज 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। 50 नोट्स आर ऑल इन यूज, टोटल कितने नोट यूज होने, 50 नोट यूज करने सिर्फ, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट क्या कह रहा है, 25 नोट्स एंड ऑफ 50 रुपीज आर यूज एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। इस तरह से यहाँ पे अगर हम चेक करें, कह रहे 25 नोट्स किसके यूज हो रहे हैं आपके पास में, 25 नोट्स यूज हो रहे हैं बेटा 50 रुपीज के, दैट मीन्स कि आपके पास में कितना हो गया, हाँ जी 25 नोट के हिसाब से ये हो गया आपके पास में 1250 रुपये बन गए, 1250 रुपये बन गए। अब टोटल उसको कितना पे करना था, 1840 रुपये पे करना था, 1840 रुपये उसको पे करना था, यहाँ पे कितना बच गया फिर उसके पास में, हाँ जी ये हो गया 590 रुपये और देने उसको, 590 रुपये और देने। तो ऐसा हो सकता है कि भाई 25 नोट्स तो उसने इसके दे दिए, ठीक है, उसके बाद में 20-20 के नोट अगर देना चाहे तो 20-20 के हिसाब से अगर मैं चलूं तो उस केस के अंदर 590 रुपये देने, अगर मैं पूरे 500 रुपये 20-20 के लेती हूं तो उसके लिए मेरे को कितने चाहिए, 25 नोट चाहिए, ओके। तो 25 नोट कितने के हो जाएंगे, 25 के। उसके बाद में 9 नोट मुझे किसके चाहिए, 10-10 के चाहिए, दैट मीन्स कि टोटल कितने नोट्स बन गए, 25 25 50 59। बट ये क्या कह रहा है कि भाई 50 नोट्स यूज होंगे टोटल, ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाली कंडीशन हमारी सोल्व नहीं हो रही है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है कि दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है अपना, ना आगे देखो, 35 नोट्स ऑफ 20 आर यूज्ड, 35 नोट यूज हो रहे हैं 20-20 रुपए के, दैट मीन्स कि 700 रुपए हो गए, 700 रुपए हो गए, हाँ जी ये हो गए बेटा आपके पास में 35 के 700 रुपए हो गए अपने पास में। टोटल कितने थे, 1840 रुपए देने,
अब यहाँ पे 35 नोट्स तो हमारे पास में ये यूज़ हो गए, उसके बाद में बचे कितने हमारे पास में, ये हो गया आपके पास में 1140 रुपये, उसको और देने। अब 20 यहाँ पे कह रहा है कि 50 और 10 के बच गए उसके अंदर देगा। अगर मैं 50-50 के नोट्स भी कंसीडर करूँ, 50-50 के नोट्स भी कंसीडर करूँ, तो अगर मेरे पास में 20 नोट्स में 50-50 के लेती हूँ तो 1000 रुपये बन जाएंगे। 20 नोट्स अगर हम 50-50 के लेते हैं मिनिमम, तो 1000 रुपये बनेंगे। जैसे मैंने 20 नोट्स कहा तो मेरे पास में टोटल कितना बन गया, 55 बन गया। बट वो क्या कह रहा है, टोटल कितने चाहिए मुझे, 50 नोट ही यूज़ करने सिर्फ। दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता, और बाकी के 10 के तो लिए तो अभी और भी ज़्यादा नोट्स लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि सेकंड वाला भी करेक्ट नहीं है। अब अगर हम बात करते बेटा थर्ड वन के, अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड में क्या कह रहा है कि 20 नोट्स हैं 10-10 रुपए के, 20 नोट आपके पास में 10-10 रुपए के, दैट मीन्स कि 200 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई, 840 है, इसमें से 200 रुपए तो भाई अपने ये हो गए 20 नोट के, ठीक है। 20 नोट्स मेरे ये यूज़ हो गए, डन। कितने बच गए आपके पास में, 1640 रुपए बच गए। अब 1640 रुपए किसके फॉर्म में देने, उसको 50-50 और 20-20 के नोट के अंदर देने। अगर ये मैं यहाँ पे देखती हूँ कि भाई यहाँ पे 1600 रुपए भी देखते हैं हम, जो हमारे पास में 1600 रुपए, अगर मैं कहती हूँ भाई 50-50 रुपए के फॉर्म में हमने देने हैं तो कितने हो गए बेटा, हाँ जी 32 नोट देने पड़ेंगे, 32 नोट देने पड़ेंगे उसको, तभी बनेगा यहाँ पे आपके पास में। दैट मीन्स की 32 नोट्स 50-50 के। अगर मैं कहती हूँ 50-50 के, तो टोटल मेरे पास में यहीं पे ही ज़्यादा हो गए, यहाँ पे ही मेरे पास में नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे 50 से, अभी तो बाकी के अमाउंट बाकी है। दैट मीन्स कि यहाँ से भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि तीनों ही सही नहीं है। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑफ द अबव, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है ये पूछा है आपसे। तो कौन सी करेक्ट नहीं है, फर्स्ट भी करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट नहीं है, थर्ड भी करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। ये बेटा देखो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, क्या था इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ भाई क्या कह रहा है वो, ठीक है। और घर में डेली हम नोट का हिसाब किताब करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच नंबर अमंग अस 2 रेज टू पावर 40, 2 रेज टू पावर 40, 3 रेज टू पावर 21, 4 रेज टू पावर 18 एंड 8 रेज टू पावर 12 इज स्मॉलेस्ट, पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। पहले इसके अंदर जो जो पावर सेम बेस में कन्वर्ट हो जाती है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो जो नंबर्स कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स की हो गया 240, सीधी सी बात है 2 रेज टू पावर 40 है तो बेटा ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, दैट मीन्स की ये तो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता, ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर आगे देखें तो ये कितना है 3 रेज टू पावर 20, अब 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या है 18, तो 18 2 36 हो गया आपके पास में, कितना हो गया 2 रेज टू पावर 36, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ इसको 2 के अंदर कन्वर्ट करें तो 8 क्या होता है 2 रेज टू पावर 3, 3 से इसको करेंगे अगेन 36, क्लियर। अब दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। दैट मीन्स कि सबसे छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में क्या कह रहा है, दोनों इक्वल है, इक्वल है, और उसने क्या पूछा है सबसे छोटा, दैट मीन्स कि सबसे छोटा तो इसमें से कि हम ये नहीं कह सकते ना कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। दैट मीन्स कि ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या, ये बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। डायरेक्टली आ गया, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर मान लो आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए कहीं पे, मान लो कंपैरिजन करना पड़ जाए, मैं कह रही हूँ कि इन दोनों के अंदर कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे ये तो बेटा पहले ही कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों के अंदर हम कंपेयर करते हैं किसके अंदर, 3 रेज टू पावर 21 और 2 रेज टू पावर 36 के अंदर से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। अब इतनी आगे तक की पावर तो आपको लर्न होती नहीं, बट अगर मान लो मैं देखूँ तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, पावर की बात कर रही हूँ मैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसका क्यूब रूट कर लेती हूँ, क्यूब रूट करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, 3 रेज टू पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 12, 3 रेज टू पावर 7, आई होप सभी को पता है, सभी को पता है कितना होता है आपके पास में, हाँ जी 3 3 9 होती है 27, 27 81, 81 243, 243, 729, 729, 729, उसके बाद में कितना आ गया 2170, हाँ जी कितना आएगा बेटा 2 रेज टू पावर 12 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, 1024 फिर 2048, 4096 है ना, 4096 आ जाएगा, 4096। और अगर हम इसके अंदर से देखें इन दोनों में से तो कौन सा बड़ा आ रहा है, हाँ जी 4096 बड़ा है, दैट मीन्स कि 2187 छोटा हो गया, 2187 किसके रेफरेंस में था हमारा 3 रेज टू पावर 7, हमने यही देखा था, और ये किसके रेफरेंस में था 3 रेज टू पावर 21, दैट मीन्स कि 3 रेज टू पावर 21 विल बी द स्मॉलर
देन 2^36, और अगर ऑल और देखे तो स्मॉलेस्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, क्या ए डिजिट 1 to 9 are अरेंज्ड इन 3 rows इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 digits, हर एक रो के अंदर 3 digits आ रही है, 3 rows बनाने हैं आपको इस तरह से। ओके हाँ जी, आगे क्या है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्म इन द फर्स्ट रो। एक्सक्यूज मी, कह रहा है कि सेकेंड के अंदर जो है वो फर्स्ट से ट्वाइस है, एंड द नंबर फॉर्म इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो, और जो थर्ड है उसके अंदर जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, थ्राइस बन रहा है फर्स्ट से। आगे क्या है, इफ द ओनली 3 of the 4 digits 2, 3, 7, 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, देन हाउ मैनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू अरेंज इन द 3 rows। कह रहे हैं कि 3 rows के अंदर उसके अंदर कैसे अरेंज करेंगे, क्या आपका पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। तो अब देखिए बेटा, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 2, 3, 7 and 9, ओके, तो अगर हम स्टार्टिंग में 9 ले लेते हैं, मान लो मैंने 9 से नंबर शुरू कर दिया, उसके बाद कुछ भी ले लिया, तो जब मैं इसका डबल करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास में 3 digits की बजाय 4 digits हो जाएंगी, दैट मीन्स कि यूनिट प्लेस में 9 नहीं आ सकता, ठीक है। सेम वे 7 भी नहीं आ सकता, तो मेरे पास में यूनिट प्लेस के लिए जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 2 का बन रहा है, मतलब स्टार्टिंग में 2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे यूनिट नहीं बेटा, फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट कह रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसको मैं यूनिट प्लेस तो ये होगा ना, यूनिट प्लेस तो ये होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोजिशन, ओके, 100th पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, या तो यहाँ पे बेटा 2 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए, तो कॉम्बिनेशन अगर मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ तो क्या बन सकता है, 3, 7, ठीक है। अब अगर इसका मैं डबल करती हूँ, मैं आपको एक बार मेथड बता देती हूँ, फिर आप कॉम्बिनेशन चेक कर लेना एक बार खुद से। अगर मैं इसका डबल करती हूँ, तो मेरे पास में क्या बनेगा, 7 × 14, 3 × 6 और 1 = 7, ओके, और ये 2 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 4 जो है वो रिपीट हो गया, दैट मीन्स कि वो क्या कह रहा है कि रिपीट तो नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, डन। तो ये क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से अगर मान लो मैं दूसरा नंबर देखती हूँ, इसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2, 7, 3, अगर मैंने यहाँ पे लिया 2, 7, 3, दूसरा कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2, 7, 3 के हिसाब से अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, 3 × 6, 7 × 14, 2 × 4 और 1 = 5। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 2, और यहाँ पे बेटा 3 × 6 = 6 और 2 = 8। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग आ रही हैं, सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग आ रही है, तो यही हमारा नंबर बन सकता है इस तरह से, कि 2, 7, 3, इस तरह से 5, 4, 6, 8, 1, 9, इस तरह से एक पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी उठाते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है। अगर हम जैसे चेक करें तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए आप पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास में 2, 9, 3, इस तरह से भी आप बना सकते हो। इसी तरह से फर्स्ट के लिए कह रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, इसीलिए 3, 2, 7, 3, 2, 9, इस तरह से आपके पास में काफ़ी सारे नंबर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली जब आप इसको सबको सोल्व करके देखते हो तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि हर एक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 2 नंबर्स बन के आ रहे हैं, एक तो बन के आ रहा है आपके पास में 2, 7, 3, और अगर हम 3 के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में 3, 2, 7, तो 3, 2, 7 है, इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होगी। तो 2 नंबर्स बन के आ रहे हैं, कौन कौन से, 1 is 2, 7, 3, 1, 3, 2, 7, डन। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी, देर आर 2 possible arrangements, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन सी। पता चल गया कैसे करना है, जो फर्स्ट रो है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तीसरी रो के लिए, हम देखेंगे अगर कहीं पे भी रिपीटिशन आ गई वहीं पे उसको कैंसिल आउट कर दो उस केस को, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक्स एंड वाई रन इन 3 किलोमीटर रेस अलोंग ए सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। एक आपके पास में एक सर्कुलर कोर्स है जिसकी पूरी की पूरा जो ये है डायमीटर कितना है, 300 मीटर है, ठीक है, और जो रेस है बेटा, रेस कितने की कह रहा है वो, 3 किलोमीटर की रेस, डन। देयर स्पीड्स आर इन रेशियो 3:2। अब जो स्पीड है, स्पीड क्या कह रहा है, कितनी है, स्पीड जो है
वो क्या है 3:2 के अंदर. इफ दे स्टार्ट टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ मैनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर. कह रहे कितनी बार जो है पहले वाला दूसरे वाले को पास कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा रेशियो है दैट मीन्स कि स्पीड हम कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे रेशियो है तो उस केस के अंदर अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैं कहती हूँ भाई इसकी स्पीड मैंने ले ली 300, इसकी स्पीड मैंने ले ली 200, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक किसी को कोई भी इश्यू नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर जो फर्स्ट पर्सन है, मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन से इन्होंने चलना शुरू किया है दोनों ने एक्स और वाई ने, तो x तो पूरे का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देगा. x यहाँ से मान लो इस डायरेक्शन के अंदर चला और उसने पूरा 300 मीटर कंप्लीट कर दिया. बट जो y है, y की स्पीड तो 200 है, y की स्पीड 200 है तो y कहाँ पे पहुँचा? y तो अभी यहीं पे ही पहुँचा है, y तो सिर्फ अभी यहीं पे ही पहुँचा है. ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कितने का गैप है? 100 का गैप है, 100 मीटर का गैप है. कब? आफ्टर वन राउंड. अगर वो एक राउंड क्रॉस करते हैं तो उसके अंदर उनके बीच में 100 मीटर का गैप आ जाता है. ठीक ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर, फर्स्ट के अंदर इसने 300 चला, इसने 200 चला और गैप कितने का है हमारे पास में? 100 का गैप है. मैं यहीं पे गैप ये हो गया आपके पास में 300 चला ये और ये 200 चला और गैप जो है वो उनके बीच में कितने का रह गया? 100 मीटर का गैप रह गया. क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं. अब हम आते हैं सेकंड राउंड के अंदर. अब जब सेकंड मतलब कि फर्स्ट राउंड के अंदर तो ए ने बी जो पहला पर्सन है एक्स ने उसको क्रॉस नहीं किया. ठीक है, बस हाँ दोनों के बीच में गैप है. अब जब सेकंड राउंड आता है तो सेकंड राउंड के अंदर इसका कितना हो गया डिस्टेंस? इसने 600 चल दिया, 300 और हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसने 300 चला, इसने 200, अब उसके बाद में दूसरे राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसने कितना चल लिया? 600 और इसने कितना चल लिया बेटा? 400. और दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों के बीच में गैप कितना रह गया? 200 का गैप है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को. अभी देखो उसके बाद जब थर्ड राउंड आया, थर्ड राउंड, ठीक है, मतलब कि सब अपना अपना थर्ड राउंड लगा रहे हैं. एक्स जब अपना थर्ड राउंड लगा रहा है उस केस के अंदर तो एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 900 कवर कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक्स ने 900 कवर कर लिया. अब यहाँ पे ये जो है इसने कितना कवर किया? 200-200 के हिसाब से 600 हो गया. अब बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 300 मीटर का डिफरेंस है, 300 मीटर का डिफरेंस है. अब यहाँ पे ये पॉइंट है समझने वाला कि जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 300 मीटर का डिफरेंस कब? मीन्स कि पूरे का पूरा ही डिफरेंस है उनके बीच में. दैट मीन्स कि दोनों सेम पोजीशन पे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं. दैट मीन्स कि तीन राउंड के बाद में दोनों मिल जाते हैं. या आप ये कह सकते हो कि जब तीन राउंड कंप्लीट करते हैं दोनों अपने अपने तो उस केस के अंदर एक्स जो है वो वाई को क्रॉस करता है दोबारा से. हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों के दोनों मिल गए उस पॉइंट पे. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तीन राउंड के बाद में जब वो क्रॉस कर रहा है तो अब हम देखते हैं कि टोटल राउंड कितने. अगर हम टोटल देखें कितने राउंड्स उनको काटने पड़ रहे हैं रेस को कंप्लीट करने के लिए, 3 किलोमीटर की रेस है, दैट मीन्स कि 300 मीटर की रेस है. जो ट्रैक है वो 300 मीटर का है, दैट मीन्स कि 10 राउंड्स है. दोनों 10 राउंड्स क्रॉस करेंगे. अब पहले इसने यहाँ पे तीन राउंड के बाद में वो मिल गया, फिर अगले 3 राउंड के बाद में फिर मिल गया, फिर 3 राउंड के बाद फिर मिल गया, उसके बाद में तो उसका तो खत्म हो गया पूरे का पूरा ट्रैक. दैट मीन्स कि आफ्टर 3 राउंड वो मिल रहे हैं. तो यहाँ पे कितनी बार मिला? 3 बार. आंसर क्या आ जाएगा? 3. हाँ जी बताओ, इसमें कोई डाउट? क्या कोई भी डाउट है किसी को? देखो बेटा, यहाँ पे हमने ये देखा कि फर्स्ट राउंड के बाद में इसने 300 मीटर पूरा कर लिया, इसने 200, दैट मीन्स कि गैप कितना है? 100 का. इसने 600, इसने 400, गैप कितना है? इतना. इस तरह से अगर हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 राउंड के बाद में वो मिल रहे हैं, 3 राउंड के बाद में मिल रहा है वो, है ना, 3 राउंड के बाद में एक्स वाई को क्रॉस कर रहा है. तो यहाँ पे देखें कि हमने टोटल की दोनों कितने कितने राउंड कर रहे हैं. तो अगर फर्स्ट का अगर हम देखें तो 3 किलोमीटर की रेस है, दैट मीन्स कि 3000 मीटर हो गया. तो टोटल कितने राउंड करने पड़ेंगे उसको? 10 राउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 राउंड के बाद मिल रहा है, दैट मीन्स कि 3 राउंड के बाद उसको क्रॉस करेगा. अब उसकी तो रेस खत्म होगी, उसके बाद कौन चल रहा है? सिर्फ वाई चलता रहे, फिर जब वो खत्म ही हो गया तो वो तो साइड में ही हो गया.
ठीक है, दैट मीन्स कि दोबारा तो नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, क्या है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजिशन इज ऑक्यूपाइड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से कह रहा है रिवर्स, दैट मीन्स कि उसकी रिवर्स पोजिशनिंग फाइंड आउट करनी है, रिवर्स पोजिशनिंग के ऊपर कौन सा लेटर होगा वो आपको बताना है। दैट मीन्स कि याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपोजिट लेटर्स कैसे याद कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। जैसे एल है, एल का अपोजिट क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये अपने पास में क्या था, यू के लिए क्या था, एफ फॉलो अप, याद करो, ठीक है। सी के लिए क्रैक्स, के कानपुर, एन के लिए एम, ओ के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, अगेन एल आ जाएगा, और इसके लिए डोंट वरी डी आ जाएगा। याद आया कुछ, तो सभी के लिए अपोजिट लेटर आएगा बेटा। तो अपोजिट लेटर अभी मैंने आपको बताया सारे के सारे, तो कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन डी के अंदर आ रहे हैं। अगर वैसे भी अगर अपोजिट लेटर देखना तो अपोजिट लेटर क्या आता है, जो पोजीशन है उसको 27 में से माइनस कर लो, आप 27 में से माइनस कर लो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ लखनऊ, सभी की पोजिशनिंग आपको पता है, एल इज एट 12th पोजिशन, ठीक है जी, 21st पोजिशन, 3rd, 11, 14 एंड 23। अगर इसको मैं 27 में से माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगी, रिवर्स पोजीशनिंग आ जाती है। रिवर्स पोजीशनिंग पे पर्टिकुलर का नंबर आपको पता है, उस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग लेटर भी पता है, तो आप इजीली कर लोगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 27 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो क्या बचेगा आपके पास में, 15 पोजीशन पे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है भाई 15th पोजीशन पे ओ आता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, 27 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो बच गया क्या, 6th पोजीशन पे क्या आता है आपके पास में, एफ आता है, ठीक है। इसी तरह से इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बच गया आपके पास, 24th पोजीशन पे क्या आता है, एक्स आता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया बेटा, केपी कानपुर, मैंने बताया ही आपको, ये हो गया आपके पास में डी, डोंट वरी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, 40 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट ऐसे थे जो आपके बड़ा ही इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। सिंपल आपको क्या करना है कि जस्ट फाइंड आउट करना है कि इजी क्वेश्चन कौन से, और लास्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आए हुए। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रीज ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लॉसेस द मैच, इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इज इन द टाई और ड्रॉ, हाउ मैनी मैचेज आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। अब ये वाले ना जो भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर बेटा 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 150 है तो 149 आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि हाँ जी मैंने वैसे ही बता दिया कि 1 माइनस कर दो, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, अब ज़रूरी नहीं है कि सेम ही टाइप की गेम वहाँ पे आपके पास, जैसे चेस है, चेस के अंदर तो क्या होता है, हाँ जी दो प्लेयर ही आपस में गेम खेल रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन आ सकती है। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो अब देखो बेटा, अगर मान लो 150 एंट्रेंट्स है, इसकी बात करेंगे तो बेटा एक मैच के लिए कितने चाहिए, हाँ जी एक मैच के लिए कितने एंट्रेंट्स चाहिए, दो। दैट मीन्स कि कितने मैचेज हो गए, अगर हम दो दो का देखेंगे तो कितने मैचेज यहाँ पे हो सकते हैं, 75, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब जो 75 मैचेज है तो 75 के अंदर जो 75 कैंडिडेट जो यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं, तो एक लूज़र होगा, एक विनर होगा। दैट मीन्स कि 75 एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। अगर मैं इस 75 को एलिमिनेट कर देती हूँ तो मेरे पास में बच गए कितने, 75 एंट्रेंट्स बच गए। अब 75 एंट्रेंट्स से अगर हम देखें तो कितने मैचेज हो सकते हैं, कितने मैचेज हो सकते हैं, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37 मैचेज। बट एक बच गया, उस एक को हमने अभी यहाँ पे साइड में रख लिया, एक को हमने अभी साइड में रख लिया कि भाई तेरी बारी बाद में आएगी, ओके 37 मैचेस। अब इसके अंदर से जो 37 है, 37 में से भी तो एलिमिनेट होंगे 37, ओके 70, यहाँ पे 74 अगर हम टोटल लेके चलते हैं कि 74 एंट्रेंट से 37 मैचेस होंगे, ठीक है। अब उस 37 जो है उसके अंदर से 37 बाहर निकल गए तो यहाँ से 37 को भी तो आप माइनस करोगे। दैट मीन्स कि कितने बच गए यहाँ पे आपके पास में, ये बच गया आपके पास में 38, ओके अब 38 की अगर मैं बात करूँ तो 38 से कितने मैचेस, 19। अब इसमें से 19 कैंडिडेट्स फिर बाहर निकल गए तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में, 19 बच गया। जब ये 19 बच गया तो अब ये यहाँ पे
यहाँ पे एक और बचा हुआ था, तो कितने हो गए टोटल 20 20। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आपके पास में ये 20 है, तो उस केस के अंदर देखो बेटा कितने मैचेस हो जाएंगे, 10 हो गए। अब 10 मैचेस हैं, तो अब इसके अंदर से ये 10 फिर माइनस होगा, बच गया कितना आपके पास में, 9 से कितने मैचेस, 9 से कितने मैचेस, 4। एक हमारे पास में बच गया, इसको फिर हम साइड में रख लेते हैं। पहले इस साइड को हमने साइड में रखा था, उसको हमने बाद में यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास में कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। अब 4 इसमें से अगर मैं माइनस करूंगी तो बच गया कितने मेरे पास में, 5। अब 5 है तो हमें एक की और जरूरत है, एक की और जरूरत, हमने कहा इसको आ जा, ठीक, कितने हो गए, 6 हो गए। दैट मीन्स के कितने मैचेस, 3। क्लियर। अब 3, तो 3 ये यहाँ से फिर अगेन 3 लूजर हो जाएंगे, इस 3 को माइनस करेंगे, कितने बच गए आपके पास में, 2। अब इस 2 से यहाँ पे ये जो 2 बच गए, अब 2 से कितने मैचेस, 1। क्लियर। अब 1 अगेन बच गया, हार आ गया आपके पास में, लूजर हो गया, तो बचेगा कितना, 1 से तो कोई मैच हो नहीं सकता। दैट मीन्स कि इन सबका टोटल करोगे, जब आप इन सबका टोटल करते हो तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी, 75, तो यही हो गया, ठीक है, ये हो गया 37। इसको देखो, 7 और 1 8 8 और 9 कितना हो गया, 27 और 10 37 अगेन कितना हो गया ये आपके पास में, 74 से कितना हो गया, 149। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन 149 द करेक्ट आंसर। डन, कंसेप्ट समझ आ गया कि क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कि भाई जब एक मैच के बाद में जब ओवर हो गया मैच, तो उस केस के अंदर वो कह रहा है कि कोई भी टाई या ड्रॉ तो है नहीं, दैट मीन्स कि विनर और लूजर होगा, लूजर को बाहर निकालते जाओ, जो बच गया उससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने मैचेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 5। नंबर डिविजिबल है 5, काफी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिजिट्स हैं बेटा, और कौन कौन से डिजिट्स हम यूज करें, सिर्फ ओड डिजिट यूज कर सकते, दैट मीन्स 1 3 5 7 एंड 9 आपके पास में यहाँ पे आ सकता है। अब उसने साथ में कहा कि डिविजिबल बाई 5 है, डिविजिबल बाई 5 है, दैट मीन्स कि ये जो पोजिशन है यहाँ पे तो 5 ही आएगा, 5 आएगा, दैट मीन्स कि ये तो फिक्स हो गई। अब बच गई है 2 पोजीशन, दैट मीन्स कि इसको तो सिर्फ हम एक ही वे से रख सकते हैं, भाई यहाँ तो 5 ही आएगा। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनके लिए कितने तरीके हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो बाकी के बचे 4 नंबर्स हैं उनमें से कोई भी 4 आ सकता है, कोई भी 4 नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पे डिजिट आ गई, बच गई कितनी, 3 डिजिट्स यहाँ पे कितने आ गए आपके पास में, 12। सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ओके, जो फिक्स है, फिक्स को तो साइड में रख दिया हमने कि हाँ जी ये तो फिक्स हो गया, इसके लिए तो कुछ नहीं सोचना, ठीक है, फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया तो उसका जो नंबर है उसको भी हमने साइड में रख दिया। बच गए कितने, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट है, एक पोजीशन पे 4 आएंगे, 4 में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। बच गए कितने, 3 डिजिट्स, फिर तो जो एक पोजीशन बच गई उसके लिए 3 में से कोई भी एक हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास, कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इज एक्स इज एन इंटीजर, क्या कह रहा है, क्या एक्स इंटीजर है, हाँ जी हम चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, कि एक्स बाई 3 इज नॉट इंटीजर, एक्स बाई 3 नॉट इंटीजर है। अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई जो मेरे पास में एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 1, ठीक है, मैंने इसको कंसिडर किया कि अगर ये इंटीजर है तो क्या मेरे पास में एक्स बाई 3 नॉन इंटीजर आएगा। पहले फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि भाई एक्स है 1, तो उस केस के अंदर एक्स बाई 3 जब मैं निकालूंगी तो एक्स बाई 3 की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/3, ठीक है। सेम वे अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ तो क्या आएगा, 2/3, तो नॉन इंटीजर नंबर ही आ रहा है, दिस इज नॉन इंटीजर, एक्स बाई 3 नॉन इंटीजर आ गया, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास में जो एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है कि क्या ये इंटीजर है, मीन्स एक्स अगर मैंने इंटीजर लिया है तो मेरे पास में नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो क्या एक्स हमेशा इंटीजर रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा। अब हम किसी नॉन इंटीजर के लिए चेक कर लेते हैं, अगर मैं एक्स के लिए कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया 1/3 ले लिया, ठीक, एक्स की जगह पे अगर मैं 1/3/3 करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/9, अगेन दिस इज नॉन इंटीजर। दैट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक्स बाई 3 नॉन इंटीजर होगा तो एक्स इंटीजर होगा, तो मैं कह रही हूँ क्या कह रही हूँ, हाँ जी इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन हम नहीं कह सकते कि हाँ जी
ये सही है, हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दे सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है, दैट मीन्स कि फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड के लिए क्या कह रहे हैं, 3x इज एन इंटीजर। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, 3x। अब 3x देखते हैं, 3x के लिए क्या कह रहा हूँ, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं इसके साथ में देखती हूँ तो 3x की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 आएगी, दैट मीन्स दिस इज इंटीजर, ऑब्वियसली इंटीजर बन रहा है मेरे पास में। अब अगर मैं नॉन इंटीजर x की वैल्यू मैं नॉन इंटीजर लेती हूँ, तो उस केस के अंदर यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, यहाँ पे मैंने नॉन इंटीजर लिया, नॉन इंटीजर अगर मैं लेती हूँ तो 1/3 × 3 कितना आ गया मेरे पास में, 1 आ गया, अगेन दिस इज इंटीजर। दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो भी मेरे पास 3x इंटीजर हो सकता है, x की वैल्यू नॉन इंटीजर है तो भी मेरे पास में क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ सेकंड वन अगेन आई कांट आंसर कि ये इंटीजर होगा या नहीं होगा। ओके, अब दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। जब अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों आंसर आपके सामने ही पड़े हुए, दोनों आपके सामने ही पड़े, तो उस केस के अंदर अगेन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते दिस में भी इंटीजर और नॉन इंटीजर, यस और नो में हम आंसर नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हाँ जी दोनों सफिशिएंट है तो भी गलत हो गया। दैट मीन्स बट कि विद द हेल्प ऑफ बोथ टू अगेन वी कांट से कि एक्स इज एन इंटीजर और नॉन इंटीजर, डन, तो क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था, क्या कह रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज। ओके, देखिए अगर हम डायरेक्टली भी देखें तो बेटा अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई 100 रुपये था, ठीक है, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया, 125 हो गया। फिर कह रहा 20% घट गया, 125 का 20% कितना होगा, 125 का 20% कितना हो गया आपके पास, 25 कह रहा घट गया, घट गया दैट मीन्स कि वापस कितना हो गया आपके पास में, 100 रह गया। फिर कह रहा है कि 10% बढ़ गया, दैट मीन्स कि अगेन कितना हो गया, 110 हो गया, 100 से 110 पे पहुंच गया, दैट मीन्स कि 10% इंक्रीज हो गया, रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हो गया, 10%। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि हमारे पास में स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू कह लो आप, स्टार्टिंग वैल्यू कह लो 100 है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया दैट मीन्स कि 125% हो गया। फिर क्या कह रहा है, 20% डिक्रीज हो गया, 100 से 20 माइनस किया मतलब 80% रह गया। फिर क्या कह रहा है, 10% इंक्रीज हो गया, फिर 10% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि 110 बेटा 100 हो गया। अगर हम रिजल्टेंट चेक करें तो ये कितना आ गया आपके पास में, 20 × 80, 20 × 5 = 100, 5 से ये हो गया आपके पास में 25, ये हो गया 5 से 25 और 25 × 100, ये बेटा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 110। दैट मीन्स कि 100 था, कितना हो गया, 110, क्लियर। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट कितना है, 10 का, तो कितना आ गया, 10%, डन, कोई इसमें डाउट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच ए वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, और ए और ई के बीच में 2 लेटर्स है, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे एग्जाम के अंदर, ठीक है, बट सारे ही ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई आर अरेंज इन सच ए वे देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कह रहा है कि 2 लेटर है, ठीक है, टोटल लेटर कितने अपने पास में, 5। अब ऐसा हो सकता है एक लेटर यहाँ पे, टोटल 5 भी तो अरेंज करने हैं आपको, ठीक है, तो अब इन दो को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 2 लेटर तो ये यहाँ पे आ गए, बच गए कितने आपके पास में, 3 लेटर बच गए, दैट मीन्स कि इसको आप 3 वे से अरेंज कर सकते हो, बच गए कितने, 2 लेटर्स, इसको 2 वे से अरेंज कर सकते हो, बच गया 1 लेटर, उसको 1 से अरेंज करेंगे। अब बात आती है कि माइंड में आपके आएगा कि हाँ जी यहाँ पे आपने 3 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखे चले तो भी, अगर मान लो मैं कहूँ कि हाँ जी पहले इसको प्लेस कर लेते हैं, तो भी यहाँ पे बेटा 3, 2, 1 यही आएगा, दैट मीन्स कि 6 आ गया आपके पास में। अब 6 तो ये हो गया आपके पास, साथ में इन दोनों की पोजीशनिंग का भी तो ध्यान दो, ऐसा भी तो हो सकता है ई यहाँ पे आए बेटा, ए यहाँ पे आए, दैट मीन्स कि 2 वे से इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि कितना हो गया, डन। अब बात करते हैं दूसरा कि भी ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे कि ये जो था आपके पास में, ये जो पोजीशन है इसके ऊपर जो लेटर आएगा वो इसकी बजाय यहाँ पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, इसके लिए तो कोई कंडीशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स कि उसको भी आपको पॉसिबिलिटी इसके बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ए ई और बीच में 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा,
दिस इज द पॉसिबिलिटी. अगेन इसको 3 into 2 और ये कितना हो गया आपके पास में 1, तो कितना आ गया आपके पास में 6. अगेन 3 a और e भी तो चेंज हो सकते हैं, 2 ये आ गया. कितना आ गया आपके पास में 12. दोनों का टोटल करेंगे 12 ये 12 ये, कितना आ गया आपके पास 24. सो आंसर विल बी 24. कोई डाउट? सिंपल था. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, बट डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आया हुआ है. क्या है? हाँ जी, एज जेड ब्रदर ऑफ एक्स. क्या जेड एक्स का ब्रदर है? अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई. एक्स इज ब्रदर मेल के लिए बेटा स्क्वायर ले रही हो, सर्कल लेंगे फीमेल के लिए. ओके, क्या कह रहा है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड. वाई इज ब्रदर ऑफ जेड. जेड का जेंडर अभी हमें नहीं पता फर्स्ट के. अब क्वेश्चन क्या है? ये जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स. क्या जेड एक्स का ब्रदर है? तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, जेड में भी द सिस्टर ऑफ एक्स. सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर. दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से आंसर नहीं आएगा. ओके, अब हम आते हैं सेकेंड में. सेकेंड क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का है, दैट मीन्स कि वो भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी नहीं पता. अगेन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड वन वी कांट से कि भी जो जेड है वो ब्रदर है एक्स का या फिर सिस्टर है. ओके, अगर हम दोनों को भी कंबाइन कर लेते तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि तीनों क्या है? सिबलिंग्स है. फर्स्ट से भी वही निकल के आ रहा है, सेकेंड से भी वही निकल के आ रहा है. दैट मीन्स कि दोनों को कंबाइन करके भी हमारे पास में यही पॉइंट आ रहा है कि भाई तीनों क्या हैं? सिबलिंग्स है. बहन भाई हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं. ठीक है, तो उस केस के अंदर अगेन इसकी हेल्प से भी आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या आ गया? डी. दैट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट बेटा, ऑन वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ये अच्छा क्वेश्चन था. यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ध्यान से देखो क्या है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 consecutive plants? 5 consecutive plants के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? ओके, तो अब एक बात बताओ मुझे. जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास में 3 plants मैंने लगाए हैं यहाँ पे. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे कह रहे हो 3 plants मैंने लगाने हैं. तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखो. हाँ जी, 2 के बीच में कितना डिस्टेंस? 2 plants, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है. दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसके बीच में डी, इसके बीच में डी. ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं 3 plants है मेरे पास में इक्वल डिस्टेंस पे, तो मेरे पास में जो टोटल डिस्टेंस है बीच में वो कितना है? 2D का आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास में 5 plants हैं, मान लो मेरे पास में 5 plants हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, डन. तो उस केस के अंदर मैं कह रही हूँ कि इक्वल डिस्टेंस है. ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है. दैट मीन्स कि 5 plants अगर हैं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास में? 4D का डिस्टेंस आ रहा है. अगर मेरे पास 3 plants है तो मेरे पास में 2D का डिस्टेंस आ रहा है. ओके, क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, लॉजिक यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जितने प्लांट्स हैं ना उससे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक कम आएगा. ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर. 1.01 किलोमीटर मीन्स वट? इतने मीटर आ गया आपके पास में, 1010 meters. ओके, लॉन्ग रोड 101 plants आर प्लांटेड और इक्वल डिस्टेंसेस. 101 plants, दैट मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 101. यही कह रहा है. साथ में क्या कह रहा है? वट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 5 consecutive plants? दैट मीन्स कि एक के बीच में जो 2 plants है, 2 plants के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी का. ठीक है, 5 plants के बीच में कितने का डिस्टेंस रहेगा? 4D का. ओके, यहाँ पे अगर मैं कहूँगी 5 plants है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक कितने का डिस्टेंस रहेगा? 4D का रहेगा. तो हमें पहले D की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो अब जहाँ पे अपने पास में 101 plants है, दैट मीन्स कि कितना D हो गया? 100D हो गया. दैट मीन्स कि 100D, क्या बताया मैंने, अगर जितने भी प्लांट है तो डिस्टेंस जो इक्वल जो हम डिस्टेंस बना रहे हैं वो कितना आएगा बेटा? एक कम आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 101 था, 101 प्लांट है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस कितना रहेगा बीच बीच में हर एक के? टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? 100D का रहेगा. और टोटल डिस्टेंस इसने कितना कहा है? 1010 meters का है.
दैट मीन्स कि डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई बाई 100, दैट मीन्स कि 10.10 और 5 प्लांट्स के बीच में कितना डिस्टेंस डी 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 एंड डी दैट मीन्स कि 40, तो 40 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40.40. सो यहाँ पे आपके पास में क्या आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी 40.4 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, जीरो का तो कोई वही नहीं बनता, आपको पता है कि राइट में चाहिए जितनी मर्जी जीरो लगा लो, इसका कोई वैल्यू नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखिए, आई होप सभी को क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन. आगे देखो क्या है, ए बी सी आर थ्री प्लेसेस सच दैट देर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी. ए से बी की तरफ कितने क्या कह रहा है यहाँ पे आपके पास में कि ए और बी के बीच में ए एंड बी देयर आर थ्री डिफरेंट रोड्स, तीन रोड्स हैं. ठीक है, दैट मीन्स ए से बी आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, टोटल तीन रोड है. क्लियर, उसी के बाद में क्या कह रहे हैं, फोर डिफरेंट रोड फ्रॉम बी टू सी. बी से सी के बीच में कितने रोड हैं, बी से सी, ये बी है, ये मान लो हमारे पास में सी है, तो यहाँ पे टोटल कितने रोड आ रहे हैं बेटा, फोर रोड्स हैं. ठीक है, फोर रोड्स हैं. अब उसके बाद में क्या कह रहा है ये यहाँ पे आपके पास में कि देर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी. अगर ए से सी तक हम डायरेक्ट देखें तो कितने रोड्स जा रहे हैं, थ्री रोड्स हैं, थ्री रोड्स हैं ए से सी के लिए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रोड. कितने वे से वो जा सकते हैं, कितने वे से जा सकता है. अब ए टू सी डायरेक्टली तीन रोड तो यही है, तो तीन वे तो बेटा यही हो गए सीधे सीधे. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ की, यहाँ की अगर हम बात करें तो पहली बात क्या है कि इस रोड को उसने चूज किया. ठीक है, इसके आगे चार तरीके, ठीक है, फिर इसके साथ गया, फिर चार तरीके ही हो गए, फिर इसके साथ गया, फिर चार तरीके ही हो गए, कितने हो गए, 12 हो गए, 12 ये और 3 ये, कितना हो गया 15. दैट मीन्स कि ही कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दिस रोड इन 15 वेज. 15 समझ आ गया ना, ये मैं क्या कह रही हूँ, 12 कैसे, देखो मान लो उसने फर्स्ट वे चूज किया, इसको चूज कर लिया फर्स्ट वाले को, आगे कितने चार तरीके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से गया यहाँ पे, आगे चार तरीके से वहाँ पे सी तक पहुँच सकता है, फिर दूसरे वाले को किया फिर चार तरीके, फिर तीसरे वाले को फिर चार तरीके, कितने हो गए 12, और 3 यहाँ पे ऑलरेडी उसने डायरेक्ट ही गिवन है तो 15 हो गए. ओके, नेक्स्ट देखिएगा 28 क्वेश्चन क्या है, ए हैज सम कॉइन्स, ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी. ठीक है, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू टू सी, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू डी, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. पहले तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर के अंदर है, कह रहे हैं कि डी के पास जो कॉइन्स हैं, हाउ मैनी कॉइन्स ए हैव इन द बिगनिंग. अगर हम मानते हैं कि भाई जो ए है, ए के पास में ए कॉइन्स थे, ए के पास में कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स है ए. अब इसने क्या किया कि बी को कितने दे दिए, इसके पास थे ए कॉइन्स थे, इसने बी को कितने दे दिए, उसके हाफ दे दिए और साथ में टू कॉइन्स और दे दिए. ठीक है, बी ने सी को कितने दिए, इसका हाफ, हाफ मतलब ए बाई फोर हो गया, प्लस 2/2 हो गया, प्लस 2, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 1 ये हो गया बेटा, 1, 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 3. अब आते हैं डी के पास, डी के पास कितने हो गए, डी को उसने क्या कह रहा है, हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2, तो अगर हम इसका हाफ करते हैं कितना आ गया आपके पास में, a बाई 8 प्लस हाफ 3/2 प्लस 2. क्लियर, और क्या कह रहा है कि डी के पास कितने हैं, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10. तो क्या कह रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10. डन, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, ए प्लस 8 इज इक्वल टू 10 माइनस कितना हो गया, ये 7/4 आ गया, 7/2 आ गया सॉरी. ठीक है, दैट मीन्स कितना आ गया, 13/2 कितना आ गया, ए की वैल्यू ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 13×52 कितना आ गया बेटा, 52. कोई डाउट, ए बाई 8 की वैल्यू कितनी है, 13/2, 8 उधर चला गया, कितना आ गया, 52 आंसर आ गया. डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीरीज ऑफ ए ए बी ए बी सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है कि बताइए 100 प्लेस पे क्या होगा. तो यहाँ पे सीरीज को पहले थोड़ा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, पहले आ रहा है बेटा ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी,
मतलब हर बार एक एक लेटर ऐड कर रहा है, ठीक है, एक एक लेटर ऐड कर रहा है यार, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वन फिर टू फिर थ्री, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो फोर, इस तरह से ही चलेगा। फिर आगे क्या चलेगा आपके पास, फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे ऐसे आगे आगे कॉम्बिनेशन चलता रहेगा आपका, एट फिर नाइन तक, टेन, ऐसे ऐसे, क्लियर। अब अगर हम टोटलिंग करते हैं तो हम अगर देखें पेयर की बात करें तो यहाँ तक आपके पास में उसने कहा हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड प्लेस तक का टोटल अगर हम करते हैं तो उस केस में सम ऑफ टेन नंबर्स कितना होता है, 55 होता है। सम ऑफ 13 नंबर्स कितना होता है, सम ऑफ 13 नंबर कितना होता है, 91 होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बेटा देखें थर्टीनथ तक हम जाते हैं, यहाँ पे सम ऑफ 13 नंबर कह रहा है कितना होता है, 91 होता है, ठीक है। सम ऑफ 13 के बाद में 13, दैट मीन्स कि 10, 11, 12 एंड 13, ओके। 13 के बाद में दोबारा से क्या आएगा, ए आएगा। 91 पे क्या आएगा, 91 तक आपका खत्म हो गया, उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास में, ए बी सी डी ई, इस तरह से आएगा। और ये यहाँ पे क्या आएगा, 92 पे आएगा, 92 पे आएगा, 92 पे आएगा। तो आपके पास में ये बताओ, कह रहा है कि हंड्रेड प्लेस पे कौन सा आएगा, तो हंड्रेड प्लेस पे क्या आएगा, हाँ जी सीधी सी बात है, क्या आएगा, नाइन्थ प्लेस पे जो होगा, नाइन्थ पे क्या होता है, आई होता है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, आई। पॉइंट क्लियर है, देखो दोबारा बताते हो, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100, ठीक है, ई एफ जी एच आई, क्लियर। यहाँ तक कितने हो गए आपके पास में, 91 हो गया। अब ये है ना, जो जब नंबर सीरीज हम करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स करते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो उसके के अंदर किया था सम ऑफ फर्स्ट 13 का अगर मैं देखती हूँ तो कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आता है ना। तो बेटा अगर 13 नंबर है तो 13 इंटू 14 बाई 2, देखो कितना, 91 ही बनेगा, ठीक है। वैसे ऐड करना है तो वैसे भी कर सकते हो, 10 तक का तो सभी को याद होता है कि सम ऑफ 10 नंबर्स कितना होता है, 55 होता है, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करके भी कर सकते हो, क्लियर। तो कितना आ जाए, क्या आ जाएगा आपके पास में, आई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, थ्री पर्सन्स ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देर आर फोर पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड सेवन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ऑफ ए, देन वट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या कहा है, देर आर फोर पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फोर पर्सन, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर। उसके बाद में उसने क्या कहा है, एंड सेवन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने, 7 पर्सन। अब उसने ये नहीं कहा वो उससे आगे हैं, अहेड है, बिहाइंड है, कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ क्या कहा है, बी और सी के बीच में 7 पर्सन। तो अगर हमने मिनिमम लेना है तो बेटा मिनिमम के केस के अंदर अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ज़्यादा वाला केस बनेगा ना, तो हम मिनिमम वाले केस के अंदर ओवरलैपिंग ले लेते हैं। तो 7 पर्सन कह रहा है वो बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में 4 तो ये हो गए, 5, 6, 7, दैट मीन्स कि हमने कहा क्या कहा कि भाई सी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पे आ गया। साथ में उसने क्या कहा, इफ़ देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी से पहले कितने 11 पर्सन है, ठीक है, हाँ जी, सी से पहले क्या कह रहा है, 11 पर्सन है एंड 13 बिहाइंड ऑफ ए, और इसके बाद में कितने हैं, 13 है, ओके। एक तो ये केस बन गया, तो यहाँ से अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितने बन गए बेटा, यहाँ से 11, ये 12, 13, 14, 15, 15 यहाँ तक हो गए और 13 इसके बाद है, कितने बन गए आपके पास में, 28, ओके। एक तो केस ही हो गया हमारे पास में मिनिमम का, 28। अब एक केस और भी तो बनता है, क्योंकि उसने ये कहा है कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, उसने ये तो नहीं कहा कि ए इधर आएगा बी इधर आएगा, ए अहेड है या बी अहेड है, ओके। तो हम एक और दूसरा केस लेके चलते हैं, बी और ए, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, इसमें भी ओवरलैपिंग यूज़ करते हैं, ओवरलैपिंग यूज़ करते हैं। ए और बी के बीच में उसने क्या कहा, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। साथ में उसने यहाँ पे क्या कहा है कि 7 पर्सन आर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने लोग, 7, दैट मीन्स 4, 5, 6, 7 सी के बीच में, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा है, 11 पर्सन आर अहेड ऑफ सी, देयर आर 11 पर्सन आर अहेड ऑफ सी एंड 13 पर्सन आर बिहाइंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो बेटा कि इस ए और सी की पोजीशन को चेक करो, ए और सी की पोजीशन, तो अगर हम अहेड ऑफ ए 11 देखते हैं तो 11 कितने हो गए,
चार तो ही हो गए, पांच, पांच और यहाँ पे छह लोग और हो गए, तभी 11 बचेंगे ना अहेड ऑफ, हाँ सॉरी 11% अहेड ऑफ सी कहा है बेटा उसने, सी कहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे बेटा सी कहा है उसने, सी कहा है, दैट मीन्स कि सी यहाँ पे है आपके पास में, सी से 11 लोग है इधर, 11 लोग है दैट मीन्स कि कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दैट मीन्स कि 3 लोग और आ जाएंगे यहाँ पे, सी से इधर 11 कह रहा हो, चार तो यही हो गए, देखो सिंपल सा, चार ये हो गए बीच में थे, 5, 6, 7, 8 और 3 और हो गए, दैट मीन्स कि 3 लोग यहाँ पे है, सी के इधर है। अब साथ में उसने कहा है कि ए के बाद में कितने 13 लोग है, 13 लोग इधर है, ठीक है। अब टोटलिंग करो, अब टोटलिंग करो, ए से टोटलिंग करते हैं बेटा, यहाँ से अगर मैं टोटलिंग करूँ तो यहाँ से ए और बी ये हो गया आपके पास में 6, 6 और 3, 9, 9 ये हो गए, 13 ये हो गए, कितना हो गया आपके पास में, अगर 9 और 13 को मैं ऐड करती हूँ 22, दैट मीन्स कि अगर ये वाला केस लेते हैं तो कितने बनते हैं 22, दैट मीन्स कि मिनिमम कितना बनेगा आपके पास में 22 बनेगा। मैं डायरेक्टली आपको ये वाला केस भी करवा देती बट उससे क्लियरिटी नहीं आती आपको कि हाँ जी ये भी तो ले सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई थिंक अभी सभी को क्लियरिटी आ गई अच्छे से, कोई इसके अंदर अगर आउट तो क्या आएगा 22 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एक्स वीक मीन्स एक्स इन टू, एक वीक के अंदर 7 डेज, एक दिन के अंदर 24 आवर्स एंड 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने सेकेंड्स, हाँ जी 1 घंटे के अंदर कितनी सेकेंड्स, 36। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में एक्स वीक्स, एक्स वीक्स हो गए। उसके बाद क्या करें, एक्स डेज, एक्स डेज की मैं बात करूं तो एक्स, ठीक है, एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 3600। क्लियर, उसके बाद उसने क्या कहा, एक्स आर्स, आर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स, एक घंटे के अंदर। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स मिनट्स, मिनट्स दैट मीन्स कि एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड। उसके बाद क्या करें, एक्स सेकेंड्स दैट मीन्स कि एक्स, इन सबको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सबको ऐड करने में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो ये कितना बन गया बेटा 60x और x, 61x, इन सबको ऐड करेंगे तो इनके सबके बाद में तो 2 जीरो आ ही रही है, 2 जीरो के अंदर 61x ऐड करोगे तो लास्ट में 61x ही आएगा, 61x ही आएगा, दैट मीन्स कि जिस ऑप्शन के अंदर 61x लास्ट में आ रहा वो आंसर होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर टाइम लगाना है बाद में, अब पेपर हो चुका है, थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, इनको सबको करो बेटा इसमें से 3600 ये जो है इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये अंदर आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे इतना ही आंसर आएगा, देन सबको ऐड कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पी क्यू आर एस टी यू वी, हाँ जी समझ आ रहा है कुछ से? कुछ समझ आ रहा है मेरे को, वीडियो में नीचे कमेंट में कमेंट करके बताना कि हाँ जी कुछ समझ आया, ओके। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एस टी यू वी आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, आर इज स्पाउस ऑफ यू, आर इज स्पाउस ऑफ यू। अब यहाँ पे हमें नहीं पता ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, स्पाउस दैट मीन्स कि हमें नहीं पता कि मेल कौन है फीमेल कौन है, जस्ट हमें ये पता है दीज आर हस्बैंड वाइफ। यू इज द मदर ऑफ टी, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज, यू इज, अब एक और बनाते हैं, यू इज मदर ऑफ टी, यही कहा, यू इज मदर ऑफ टी एंड एस इज डॉटर ऑफ यू, एस इज डॉटर ऑफ यू, दैट मीन्स कि इसके 2 चाइल्ड है, ये डॉटर है और टी का हमें नहीं पता कि हाँ जी क्या है सन है या डॉटर है, क्लियर। आगे क्या करें, पीज डॉटर इज टी, पी की डॉटर कौन है, टी है, पी की डॉटर टी है, यहां पे उसने देखो ध्यान से समझेंगे, पीज डॉटर इज टी, ये टी है डॉटर है, दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे इसका पता चल गया किसकी डॉटर है, पी की, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, पी यू और पी दैट मीन्स दीज आर द पेरेंट्स, पेरेंट्स दिस इज फीमेल दैट मीन्स दिस इज मेल, तो ये क्या आ गया आपके पास मेल एंड दीज आर हस्बैंड वाइफ, क्लियर। दूसरा क्या लाइन यहाँ पे यूज करें, आर इज सन ऑफ पी, आर ना सॉरी आर ज सन इज पी, आर का सन कौन है, पी है, ये पी है, ये किसका सन है, आर का, आर यहाँ पे ये हमारे पास में आ रहा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका सन है, आर का सन है यहाँ पे
एक सेकेंड आर्ज सन इज पे, यहाँ से बेटा आर का हमारा डिटरमाइन नहीं हो रहा है जेंडर, सिंपल इसने ये कहा है कि एंड आर्ज सन इज पी, आर का सन कौन है, पी है, दैट मीन्स कि एक ये कपल है, एक ये कपल है, देयर आर टू कपल्स, दो कपल्स हमें मिल रहे, एक ये कपल मिल रहा है आपको और एक यहाँ पे आपको ये कपल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, हाँ जी बताइए, फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है कि क्यों, अब यहाँ पे हमें जेंडर तो पता ही नहीं चल रहा, ग्रैंड मदर भी तो हो सकती है, दैट मीन्स कि फर्स्ट को हम नहीं कह सकते कि करेक्ट, क्यों इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्या कह रहा है, ग्रैंड मदर है, फादर भी हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी, आर इज मदर ऑफ पी, आर इज मदर ऑफ पी, अगेन जेंडर नहीं पता हमें, वी कांट से, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी का जेंडर हमें पता चल गया था, ग्रैंड डॉटर है किसकी, आर एंड क्यू दोनों की ग्रैंड डॉटर है, दैट मीन्स इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, दैट मीन्स कि ये क्या आपके पास में करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, हाँ जी अगेन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी के इस बार काफी क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पे देखो क्या है, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, पी और क्यू के बीच के अंदर का आपको डिस्टेंस बताना है, क्या है, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, यही कहा है, क्यू सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, अब हमें क्या बताना है, पी और क्यू का डिस्टेंस, अब यहाँ पे तो पी का बेटा जिक्र ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये तो आएगा ही नहीं, है ना, फर्स्ट से तो आंसर नहीं निकल सकता हमारा। सेकंड क्या कह रहे, सिटी पी इज 43 मीटर फ्रॉम आर, आर और पी के बीच में क्या कह रहा है, कितना है डिस्टेंस, 43 किलोमीटर का, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस, अगर मैं सेकंड देखूँ तो इसमें क्यों नहीं है, दैट मीन्स कि इसकी हेल्प से भी हम आंसर नहीं कर सकते, ओके अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, तो यहाँ से अब क्या कह रहा है, पी और आर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 43। अब यहाँ पे बेटा दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, पी और आर कहा है, दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आर हमारे पास में यहाँ पे है और पी यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, तो उस केस के अंदर टोटल 43 बन रहा है, तो ये कितना हो गया, 13 से 8 गया बेटा 5 और ये हो गया 3, 25, दैट मीन्स कि पी और क्यू का डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 बन रहा है फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ तो उसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास में कि ये जो है पी, पी यहाँ पे हो और ये कितना डिस्टेंस है, 43, उस केस के अंदर अगर मैं दोनों को एडअप करती हूँ तो यहाँ पे उस केस के अंदर हमारा डिस्टेंस कितना बन जाएगा, पी और क्यू के बीच में दोनों को ऐड करो, 8 और 3 11, 5 और 1 6 61 बन जाएगा, एक पॉसिबिलिटी के अंदर बन रहा है 25, एक के अंदर बन रहा है आपके पास में 61, दैट मीन्स कि दोनों को मिला के भी आपके पास में एक आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि दोनों मिला के भी सफिशियंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ जी ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिलोजियम के क्वेश्चन, सिलोजियम तो काफी ज्यादा इजी आया था, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बेटा काफी इजी था, यहाँ पे देखिए क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय फोर कंक्लूजन, सिलोजियम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या है, क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स, वैसे तो इसको है ना 150 से भी कर सकते हो, बट काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता था, अभी वेन डायग्राम से ही बता रही हूँ मैं आपको, ऑल पेन्स आर बुक्स, क्योंकि काफ़ी ईजी था, कोई यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ, नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन, ये पेन है बेटा और ये क्या कह रहा है कि चेयर है, सिंपल, ऑल पेन आर बुक्स, फर्स्ट, सेकेंड क्या कह रहा है, नो चेयर इज पेन, अब यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट क्या, ऑल चेयर आर बुक्स, ये चेयर है, ये बुक्स है, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट तो है ही नहीं बुक्स, ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, ये अपना गलत हो गया, सेकंड सॉरी फर्स्ट वन इज रॉन्ग, अब आते हैं सेकंड पे, क्या कह रहा है, सम चेयर आर पेन, सम चेयर आर पेन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नो पेन इज चेयर, दैट मीन्स कि नो पेन इज चेयर, नो चेयर इज पेन, तो सम वाला तो केस कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे अगला देखो क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, कैसे हो सकती है, ये वाला जो पार्ट है ये तो चेयर है ही नहीं, तो आल का केस अगेन कैंसिल आउट हो गया, एंड नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज बुक, अगर हमारे पास में यहाँ पे होता नो चेयर इज पेन तो करेक्ट हो जाता, दैट मीन्स कि हम इस पार्ट के बारे में तो कह सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ओके दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स सारे के सारे ही रॉन्ग है, नॉन कंक्लूजन फॉलोज, नॉन कंक्लूजन
फॉलोज. ओके नेक्स्ट देखिएगा. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, थ्री स्टेटमेंट्स फॉलोड. अगेन आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और कंक्लूजन गिवन. क्या कह रहा है, सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट. ओके नाउ कम ऑन द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर. अब देखो साइंटिस्ट और डॉक्टर के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पार्ट कॉमन है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. फर्स्ट कहाँ पे, यस दिस इज करेक्ट. ओके उसके बाद में हम सेकेंड देखते हैं, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर. अब यहाँ पे देखो कि जो इंजीनियर का सर्कल है क्या वो डॉक्टर के सर्कल के अंदर है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये रॉन्ग हो गया. सम इंजीनियर आर डॉक्टर. अब इंजीनियर और डॉक्टर में देखो कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है, ये इंजीनियर और डॉक्टर के अंदर बेटा ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट हो गया. मीन्स वट कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है. फर्स्ट और थर्ड देखो कहाँ पे कह रहा है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, दैट मीन्स कि सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 40th क्वेश्चन क्या है, एट पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल. एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, एट पर्सन है तो एट का हम बना लेते हैं बेटा इस तरह से कुछ सिटिंग अरेंजमेंट का. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. उसके बाद में क्या है आपके पास, बी एंड डी सिट्स नीदर एडजेसेंट टू सी नोर अपोजिट ऑफ सी. क्लियर, आगे देखते हैं, अभी कुछ यहाँ पे नहीं हम इसको कर सकते. तो अगला पॉइंट क्या है, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी. ओके अब यहाँ पे एक तो ये हो गया कि मैं दूसरा पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाती हूँ जिसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा इस तरह से, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. हाँ जी यहाँ पे हमने डी को ले लिया, यहाँ पे हमने ई को ले लिया, फिर हम सॉल्व करेंगे. ओके दूसरा यहाँ पे बेटा आपके पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा डेफिनेटली करेक्ट होगा, डेफिनेटली करेक्ट होगा, दैट मीन्स कि जो भी हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है उसके अंदर अगर वो रॉन्ग हो गया तो वो यहाँ पे रॉन्ग ही कहलाएगा. ठीक है ना, तो हम एक ही पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं. क्या कहा है उसने, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, ठीक है, एंड एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच. बी और एच के बीच में बैठा हुआ है कौन, एफ. ठीक है तो बी और एच यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ भाई, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ये ले सकते हैं. ठीक है एक पॉसिबिलिटी ले ली मैंने यहाँ पे. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा यहाँ पे केस क्या था आपके पास में, बी एंड डी सीट्स नीदर एडजेसेंट टू सी. बी सी के एडजेसेंट नहीं हो सकता, डी सी के एडजेसेंट नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि सी कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहाँ पे आ गया. ठीक है दूसरा उसने क्या कह रहा है, नोर अपोजिट टू सी. बी और सी अपोजिट भी नहीं हो सकते, अगर हम देखें तो यहाँ पे अपोजिट भी नहीं देख रहा, देखने को मिल रहा, दैट मीन्स कि ये हमारा बन रहा. ठीक है एक बच गया, वो कहाँ आ गया जी, वो यहाँ पे आ जाएगा. अब देखते हैं क्या कह रहा है, बी सीट्स बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में बी बैठा है, नहीं बैठा. उसने क्या कहा, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, मीन्स कि अगर हमारे इसके अंदर वो रॉन्ग है एक पॉसिबिलिटी के अंदर तो वो रॉन्ग ही कहलाएगा. ठीक है सी सिट्स अपोजिट टू जी, सी यहाँ पे बेटा, जी यहाँ पे अपोजिट नहीं है, उसके एडजेसेंट है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया. ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई के अपोजिट कौन बैठा है, सी, दैट मीन्स कि ये भी गलत हो गया. क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा. क्लियर हाँ जी, अगर इसका हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बेटा दूसरा बनाते हैं तो दूसरा भी बनेगा, दूसरा भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा. ठीक है तो यहाँ पे उसने कहा कि डेफिनेटली करेक्ट तो जरूरत नहीं है बाकी करने की, करना चाहो तो आप थोड़ा टाइम लगा के कर सकते हो इसको. ओके सो आई थिंक अभी आपका 40 तक के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए, बाकी के सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके तो जो क्वेश्चन के अंदर कभी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई माइनर सा डाउट है तो उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो. अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी क्वेश्चंस मुझे क्लियर हो गए हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे. मैंने कोशिश करी है कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, हर एक क्वेश्चन पर मैंने टाइम लगाया आप लोगों के लिए. ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे. नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के 40 क्वेश्चंस रह गए उनका हम डिस्कशन करेंगे. ओके सो थैंक यू, क्लास इज ओवर.